पावर बटन का ये ट्रिक जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके पास कोई भी फ़ोन आए और आप उसे पावर बटन से ही आंसर देना चाहते हैं, अगर आप इसे पिकअप करना चाहते हैं तो पावर बटन से कर सकते हैं, अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो पावर बटन से भी काट सकते हैं, और आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो मैसेज भी भेज सकते हैं। तो अगर आप भी इन सारे तरीके को आजमाना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैंने इस वीडियो में बहुत ही कम समय में और सबसे आसान तरीके से आपको बताने का कोशिश किया हूँ कि आपका पावर बटन से आप अपने किसी भी कॉल को पिकअप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली हमें स्क्रॉल कर एक्सेसिबिलिटी को देख लेना है, और नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और सर्च करके यहाँ पे आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम की शॉर्टकट्स पे प्रेस करना है। प्रेस करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली हमें शॉर्टकट सर्विस पे जाना है। शॉर्टकट सर्विस पे जाने के बाद यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आपको जो अच्छा लग रहा है उसे चूज कर सकते हैं। अगर आप पावर बटन से आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं, अगर उसके अलावा आप पावर बटन से दूसरे अकाउंट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रेस करेंगे। अगर आप पावर बटन से सेटिंग्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ सेटिंग्स पे प्रेस करेंगे, और पावर बटन से ट्रू कलर में जाना चाहते हैं तो ट्रू कलर पे प्रेस करेंगे। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आगे आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नई एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।